नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर और साथ में UPSCTarget.com पर। रोज की तरह आज के भी प्रश्न, संडे को छुट्टी रहती है इसलिए संडे को प्रश्न आपको नहीं मिले थे। एक दिन मैं आपको देता हूं कि हफ्ते भर का जो भी काम आपका पेंडिंग रह गया हो उसको आप निपटाएं। आंसर राइटिंग में भी, आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं या आप नहीं लिख पाते हैं तो उनको संडे को करिए। आज है 26 अगस्त 2019 और आज के जो प्रश्न हैं, 8 प्रश्न आज भी आपको मैंने दिया है, हर पेपर के 2 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पेपर फर्स्ट का पहला प्रश्न कौन सा है जो आपको करना है। वेबसाइट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर डेट वाइज डेट के अनुसार आप जाएंगे उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत में असमान लिंग अनुपात के क्या कारण है। सोसाइटी भी आपके पेपर फर्स्ट में है, समाज से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और भूगोल का भी ये पार्ट है कि भारत में असमान लिंग अनुपात के क्या कारण हैं। इनके कारणों को आपको बताना है कि कारण क्या है और इनको सुधारने के आपको उपाय भी बताने हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं जिनसे इन चीजों पर काबू पाया जा सके असमान लिंगा अनुपात पर। कुछ फैक्ट आप जरूर इसमें लिखेंगे, 200 शब्द मैंने आपको दिए हैं, 150 जगह 200 शब्द, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर आप लोगों की जो पेन है वो ज्यादा चलती है क्योंकि आपके पास खूब मैटर रहता है, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और पेपर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न लेते हैं, ऑनर किलिंग से क्या तात्पर्य है। ये भी सोसाइटी से रिलेटेड ही प्रश्न है, सरकार द्वारा इसके खिलाफ उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे खिलाफ का मतलब यह है कि इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या कर रही है। अभी राजस्थान में कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। स्टेट में जो प्रयास होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं क्योंकि कई बार एक स्टेट में किए गए प्रयासों से दूसरे स्टेट भी सीखते हैं और दूसरे स्टेट भी चीज़ों को अंजाम देते हैं वैसे अपने यहाँ मॉडिफिकेशन करके। तो आप इसको लिखिएगा, आनर किलिंग को समझाइएगा और उसके बाद में इसके जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है उनको लिखिएगा। तो ये भी एक प्रश्न आपका हो गया। आगे हम बढ़े तो पेपर टू का फर्स्ट क्वेश्चन अब हमको देखना है। पेपर टू का जो पहला प्रश्न है वो है, सरकार ने ऑक्सीटोसिन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये क्यों लगाया है और इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए कि ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध लगाने के कारण क्या थे। ऑक्सीटोसिन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ऑक्सीटोसिन होता क्या है, इसका क्या उपयोग होता है और प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ रहा है ना भाई। ऑक्सीटोसिन मार्केट में है तो इसका पॉजिटिव उपयोग भी है, नेगेटिव उपयोग भी है, लेकिन सरकार को क्यों प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है ये चीज आप कीजिएगा 150 शब्दों में। अगला प्रश्न है पेपर टू का दूसरा ही प्रश्न है, तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति को रेखांकित कीजिए। IR भी आपके सेकंड पेपर में है तो उससे ये रिलेटेड प्रश्न है, इसको आप लिखेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है। स्थिति का यहाँ पे मतलब होता है कि उसकी राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर कैसी शक्ति है ना। अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं तो आप IR को जब कर रहे हैं तो दूसरे देशों से संबंधों के आधार पर ही तो लिखेंगे, दूसरे देशों की वैल्यूज के आधार पर ही तो लिखेंगे कि भारत दूसरे देशों के लिए क्या वैल्यू रखता है, क्या महत्व रखता है। इन चीजों को ध्यान में रख के आप उत्तर को लिखिए, आप होशियार हैं मुझे पता है। पेपर थर्ड का पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हुई है, यह अभी वेबसाइट पे सही कर दी जाएगी, व्यापार लिखा गया है। तो व्यापार संगठन के क्या कार्य हैं और इसमें अपेक्षित सुधारों पर अपने सुझाव दीजिए। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों को आप बताएंगे उसके परिचय देने के बाद में, और फिर क्या सुधार इसमें अपेक्षित हैं आप बताइए इसको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेपर थर्ड का ही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कार्यों एवं उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। अभी पाकिस्तान फिर चर्चा में रहा, पहले ग्रे लिस्ट में डाला गया था, फिर किस लिस्ट में डाला गया, अभी तो 2 रोज पहले पाकिस्तान पे फिर से कार्रवाई की गई है। तो ये जो संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फत्व जिसको ऐसे बोल देते हैं कभी कभी, FATF, तो इसके क्या कार्य हैं और इम्पोर्टेंस इसका क्या है। इसके जारी करने से, सूची पाकिस्तान या किसी अन्य देश को उसमें रखने से क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर, तो इसके कार्य और जब महत्व तो आप बताएंगे तो ये सारी चीजें इसमें क्लरिफाई हो जाएंगी। अगला प्रश्न है पेपर फोर्थ का पहला प्रश्न, आर्थिक व नैतिक संकट में से आप किस संकट को गंभीर मानते हैं। सतर्क चर्चा कीजिए, यानी कि तर्क देकर, तर्क सहित इसको भी कहा जा सकता है। तो आर्थिक संकट और नैतिक संकट दोनों बताएंगे और आप किसको गंभीर मानते हैं अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं इसको गंभीर मानता हूँ, क्यों मानते हैं। सतर्क का मतलब आप बताएंगे कि क्यों मानते हैं, उस पर आप कुछ पॉइंट्स देंगे कि इस कारण से मैं इसको
गंभीर मानता हूं आर्थिक या नैतिक में से किसी एक को। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये पेपर फोर का दूसरा प्रश्न है और ये केस स्टडी है, यूपीएससी में पूछी हुई केस स्टडी है, मैंने सीधे उसको उठाकर वहां से दिया है आपको। राकेश जिला स्तर का एक जिम्मेदार अधिकारी है जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं, उसके ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा है। लाभार्थी होने के लिए निम्नलिखित कसौटियां हैं यदि हुई हैं, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो, किसी आरक्षित समूह से संबंधित हो, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना हो, ये सब है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति दंपत्ति हैं जो राकेश के कार्यालय में योजना के लाभ के लिए आवेदन पत्र लेकर आते हैं। उसके जिले के गांव में जन्म से रहते आए हैं, वे उसके जिले के जहां पे वो पोस्ट है वहां पे वो जन्म से रहते आए हैं। वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आंत में एक ऐसे विरले विकार का पता चला है, उसमें रुकावट पैदा होती है, परिणाम स्वरूप उसके पेट में बार बार तीव्र पीड़ा होती है और वो कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता। वृद्ध व्यक्ति की देखरेख करने के लिए कोई संतान नहीं है, एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक जिससे वे मिले हैं बिना फीस के उनकी शल्य चिकित्सा करने को तैयार है, फिर भी उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय जैसे दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च है ना, जो लगभग 1 लाख रुपया होगा, स्वयं ही वहन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा हम ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन ये सब व्यवस्था आप कर लीजिए। दंपति मानक बा के अलावा जो बा मानक है यानी किसी आरक्षित समुदाय से संबंधित हो का लाभ प्राप्त करने की सारी कसौटियां पूरी करता है। किसी आरक्षित समुदाय से वो संबंधित नहीं है और सब 60 वर्ष का है, आय जो है 1 लाख रुपए से परिवार की कम है, लाभार्थी के जीवन में परिवर्तन भी होगा सकारात्मक अगर उसका इलाज होगा, फिर भी किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पर उसके जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पैदा करेगी, ये सब लिखा हुआ है। राकेश को इस परिस्थिति में क्या अनुकूलिया करनी चाहिए? अच्छा प्रश्न, खैर यूपीएससी का प्रश्न है, इसमें अच्छा बुरा कहना कोई वही नहीं है, अच्छा तो होता ही है। तो अब क्या वो करेगा, विकल्प आप बताएंगे, राकेश की जगह आप अपने को रखिए, आप होते तो क्या करते, ऐसे ही उत्तर इसका दिया ही जाता है और बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे। तो राकेश की इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया होनी चाहिए 200 शब्दों में, 250 शब्दों में वहां पूछा गया था, 200 शब्द मैंने आपको यहाँ दिए, इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आंसर लिखते रहिए और जब आप जो भी आंसर जिस प्रश्न का लिखते हैं पोस्ट योर